पर्यटन नगरी मैक्लोडगंज की डल झील का जलस्तर घटने से मरने की कगार पर पहुंची मछलियों का रेस्क्यू मंगलवार को किया गया। सुबह के समय ठंडे पानी से रेस्क्यू करना चुनौतीपूर्ण था। मछलियों के रेस्क्यू में तिब्बती समुदाय और स्थानीय युवाओं सहित 300 युवाओं ने मछलियों के रेस्क्यू में अपना योगदान दिया। डल झील से रेस्क्यू की गई मछलियों को जिला कांगड़ा के फिश फार्म व अन्य तालाबों में भेजा जा रहा है। गौरतलब है कि डल झील का ऐतिहासिक महत्व है तथा इस झील में लाखों की संख्या में मछलियां हैं जो कि झील के सूखने से मर रही थी। ये पहली बार नहीं है जब झील का पानी सूखा है। इससे पहले भी डल झील का पानी सूखने का मामले सामने आ चुके हैं। वह स्थानीय लोगों का कहना है कि झील का पानी सूखने की घटना पुनः न घटे, इसलिए प्रशासन को उचित कदम उठाने चाहिए। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि डल झील में जो जल स्तर है वो अचानक से घट गया है और यहाँ पर जो मछलियाँ हैं उनके जीवन को एक तरह से खतरा है, तो इन्हें रेस्क्यू करवाना था, इसलिए हमें यहाँ डिप्यूट किया गया था। सबसे पहले जी, क्योंकि मछलियों को गंदे गाद वाले पानी से जो हमने निकालना था तो हाथों से ही कार्य हो सकता था। दलदली जमीन थी, इसलिए यहाँ पे हम कोई भी उपकरण मशीन नहीं लगा सकते थे। पिछले कल बैठक में हमने यही कहा था। यहाँ पे जो पार्षद महोदय हैं उनसे भी रिक्वेस्ट की थी और तिब्बती समुदाय के जो एक वरिष्ठ नागरिक हैं उनको भी रिक्वेस्ट की गई थी और उनसे भी हमें यही कहा गया था कि वो अपने स्वयंसेवियों को हमारे यहाँ पे ज़रूर भेजेंगे। और आश्चर्य और खुशी दोनों है मुझे, क्योंकि जब मैं पहुँची थी तो यहाँ लगभग 250 के करीब तिब्बती जो कम्युनिटी है उनसे लोग थे और हमारे लोकल लड़के भी और युवा भी साथ जुड़े हुए थे। देखिए, क्योंकि ये जानवर है, जानवर बेजुबान होते हैं, कुछ बोल नहीं सकते, इनकी स्थिति क्या है, तो सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए यही था कि इनको जीवित हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ से स्थानांतरित करके ठीक जगह भेज सकें। देखिए, सबसे पहली सावधानी ये है कि जब हम मछली को निकाल रहे हैं तो ये गंदला गाद वाला जो पानी है ये हमारे वाटर टैंक्स में ना जाए, जिससे जिनको हम आगे यूज कर रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। दूसरा, जो हमारा समय लगता है अपनी गाड़ी को वाटर टैंक्स तक पहुंचाने में, जो हमारे फिश टैंक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, वो हम चाहते हैं कि कम से कम हो, तो उसके लिए भी फिर हमने आगे पुलिस विभाग के साथ कोऑर्डिनेट किया हुआ है जी। हमारे जो मत्स्य पालन विभाग के अधिकारी हैं उनके अनुसार इनको कांगड़ा में जो हमारे फिश फार्म और पॉन्ड्स हैं वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। मेरा नाम दावा सिंह है, मैं तिब्बती समुदाय का संसद सदस्य हूँ और आज हम यहाँ ये कार्य कर रहा हूँ कि कल हमको पता चला कि शाम को यहाँ का डाल का पानी सूख गया है, उसी की वजह से बहुत मछली मर रहा, तो इसलिए हमारा वेलफेयर ऑफिस ने जो TSO है उन लोगों ने सभी हमारा इंस्टीट्यूशन को उनको खबर किया कि कल सुबह 10 बजे यहाँ पहुँचाना, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का प्यारा है, तो इसलिए हमको मछली को बचाने के लिए आने के लिए बोला था। उसी के मुताबिक सारी तिब्बती समुदाय का जो इंस्टीट्यूशन से करीब 500 लोग आ गया है, आज सुबह से लगा कोई 9:30 बजे यहाँ वो पहुँचा है, तो अभी तक काम लगा, अभी तक कम से कम कोई 10 जीप और ट्रक को हमने यहाँ से ट्रांसफर किया था मछली का। वेरी चैलेंज एंड वेरी सैड, हमें बहुत दुख लगा है क्योंकि हम तो अपना जान के लिए इतना प्यार करता है, इतना हमको देखता है, लेकिन इस बेचारी मछली के देखभाल हम ठीक नहीं कर पा रहा है, चाहे हमारा स्थानीय का जो गलती हो, चाहे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का गलती हो, लेकिन पहला बार नहीं था ये, मैंने सुना है तीसरी बार था। इट इज़ वेरी शेमफुल एज बीन ए ह्यूमन बीन, हम एक इंसानियत होते हुए ऐसे जानवर को मरने देता है, ये हमारा कोई शर्मनाक क्या गलत चीज़ है, तो इसलिए आगे हमें नहीं होने के लिए इसी को तिब्बती समुदाय जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन सभी लोग मिलकर इसको ठीक से बनाना सबका महत्वपूर्ण काम होगा जी। हिमाचल दस्तक वेब टीवी के लिए धर्मशाला से राजेश कुमार। हिमालयन ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस लगातार 19 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में बुलंदियों को छू रहा है। प्रशिक्षित अध्यापकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बलबूते यह संस्थान अभिभावकों व विद्यार्थियों की पहली पसंद बन गया है। संस्थान AICTE, PCI, BCI से मान्यता प्राप्त विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान ICO 9001 द्वारा प्रमाणित है, साथ ही 5-स्टार एक्रेडिटेड स्किल सेंटर के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार के लिए भी तैयार कर रहा है। संस्थान के चेयरमैन रजनीश बंसल व निदेशक विकास बंसल ने बताया कि संस्थान BTEC, LLB, BA, BCA, BBA, MBA, GNM, BSc नर्सिंग, B-Pharma, D-Pharma, M-Pharma, JBT, BEd आदि विषयों में शिक्षा प्रदान कर रहा है। संस्थान में सभी विषयों के लिए अत्याधुनिक लैब और संसाधनों की व्यवस्था की गई है।
संस्थान द्वारा डिप्लोमा व डिग्री कोर्स पूरा होने के बाद कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से विद्यार्थियों को रोजगार भी उपलब्ध कराया जा रहा है। SC/ST OBC श्रेणी के विद्यार्थियों के लिए सरकार द्वारा दी जा रही छात्रवृत्ति व अन्य सुविधाएं भी यहाँ उपलब्ध हैं। सभी विषयों में रजिस्ट्रेशन व दाखिले हेतु आज ही संस्थान में आएं या वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपनी सीट सुरक्षित करें।